हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ते हैं मेडिटेरियन सी के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेरियन सी के बारे में। पहले तो इसकी लोकेशन देखते हैं हम। इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल सी दैट इज बॉर्डर्ड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इन द नॉर्थ। देखिए, इसके अंदर नॉर्थ की साइड से किससे अटैच हुआ है, ये किसकी बाउंड्री लग रही है, यूरोप की, एंड बाय एशिया इन द ईस्ट। और ईस्ट की ऐसे देखते हैं, ये नॉर्थ वाला हिस्सा और ये साउथ है, और ये ईस्ट और ये नॉर्थ, सॉरी वेस्ट। तो जो यूरोप वाला हिस्सा है वो नॉर्थ की साइड से इधर से अटैच होता है, इससे बाउंड्री शेयर करता है, और जो एशिया वाला हिस्सा है, एशिया, वो ईस्ट की साइड से, इस साइड से मेडिटेरियन सी से, एंड अफ्रीका इन द साउथ, साउथ की साइड से अफ्रीका लगता है, एंड इन द वेस्ट, वेस्ट की साइड कनेक्टेड किससे कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशियन, इस साइड से अटलांटिक ओशियन से है, जो कि एक नैरो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से इससे जुड़ता है, अटैच होता है। देखिए इसको हम अब हम मैप में देखते हैं। ये जो मेडिटेरियन सी, देखिए ये है मेडिटेरियन सी, इसका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब इसमें नॉर्थ की साइड कौन सा बताया गया था, कौन सा कंटिनेंट है, यूरोप, नॉर्थ की साइड इधर यूरोप है, एंड ईस्ट की साइड एशिया, ये वाला एशिया, इधर एशिया के कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरियन सी से, और नॉर्थ की साइड से यूरोप वाली। एंड साउथ की साइड से अफ्रीका, अफ्रीका, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये पूरा ये अफ्रीका कंटिनेंट का है, ठीक, ये वाला, ये यहाँ सब यहाँ तक, ये पूरा साउथ का हिस्सा है, और ये जो नो वेस्ट की साइड बता रहे थे, देखो ये इधर अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, और ये किसके थ्रू इससे अटैच है, कनेक्टेड है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन है, इसको वेस्ट की साइड से, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है दोनों आपस में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एंड इन एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट इट इज कनेक्टेड टू द ब्लैक सी थ्रू द डार्डेनेल्स स्ट्रेट, द सी ऑफ मरमरा एंड द बोस्पोरस स्ट्रेट। अब इसके बारे में नॉर्थ ईस्ट की साइड देखते हैं हम, ये किससे कनेक्टेड है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस साइड से बोला गया है, ये वाला एरिया, ये जो ये है, ये ब्लैक सी है, नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेरियन सी ब्लैक सी से कनेक्टेड है, किसके थ्रू एक डार्डेनेल्स, ये वाली स्ट्रेट, एंड मरमरा सागर, मरमरा सी एंड बोस्पोरस स्ट्रेट, बोस्पोरस स्ट्रेट, ये मरमरा सी है और ये ब्लैक सी है, और ये इधर इधर डार्डेनेल्स स्ट्रेट है, एंड बोस्पोरस स्ट्रेट भी इधर ही है, ये वाली, इनसे नॉर्थ ईस्ट की साइड इन तीन चीज़ों से, ब्लैक सी से कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी। चलिए आगे देखते हैं इसको। द मेडिटेरियन सी इज आल्सो कनेक्टेड टू द रेड सी थ्रू द स्वेज कैनाल इन द साउथ ईस्ट।
चलिए अब इसको देखते हैं मैप में। इसमें क्या बोल रहा है कि साउथ ईस्ट की साइड से, साउथ ईस्ट, ये जो साउथ ईस्ट है ये इधर, ये देखो ये है स्वेज कैनाल, ये रेड सी से कनेक्टेड है स्वेज कैनाल के थ्रू। ये स्वेज कैनाल इधर से है मेडिटेरियन सी, साउथ ईस्ट की साइड रेड सी से कनेक्टेड है स्वेज, किसके थ्रू, स्वेज कैनाल के थ्रू। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए मोटा मोटा रिवाइज करते हैं। मेडिटेरियन सी रेड सी से कनेक्टेड है, ब्लैक सी से कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशियन से कनेक्टेड है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की साइड ब्लैक सी से कनेक्टेड है, साउथ ईस्ट की साइड से रेड सी से कनेक्टेड है, और वेस्ट की साइड अटलांटिक ओशियन से कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब पहले तो हमने देखी है इसकी लोकेशन, अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। मेडिटेरियन सी को बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसको मेडिटेरियन सी को बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी का भी माना जाता है। मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन सच एज फोनिशियंस, एंशियंट ग्रीस एंड रोमन एम्पायर वर लोकेटेड अलोंग द सोर्स ऑफ द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के अंदर बहुत सारे एंशियंट सिविलाइजेशन यानी कि नगरीय प्राचीन नगर हैं, जैसे कि फोनिशियंस, एंशियंट ग्रीस एंड रोमन एम्पायर। ठीक है, और इससे बाउंड्रीज बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रियों के बारे में पढ़ते हैं। अब टोटल 22 कंट्रीज इससे बॉर्डर शेयर करते हैं एंड वन टेरिटरी जिब्राल्टर, ए ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। जिब्राल्टर क्या है, एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। टोटल कितनी है, 22 कंट्री एंड वन टेरिटरी है। द यूरोपियन सी, द यूरोपियन कंट्रीज। अब पहले हम यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे कि स्पेन हो गया, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोनेको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेग्रो, अल्बेनिया एंड ग्रीस एक्सेट्रा। ये जो है ये हैं यूरोपियन कंट्रीज। लगभग 11 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरियन सी से बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, और अब देखते हैं वेस्ट एशियन, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज बॉर्डर द मेडिटेरियन सी है, जैसे कि टर्की हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान, इजराइल एंड द पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रीप एंड द डिवाइडेड आइलैंड ऑफ सिप्रस। ठीक है, टर्की जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, द पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रीप एंड द डिवाइडेड आइलैंड ऑफ सिप्रस। एक ये आइलैंड है सिप्रस। एंड नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस, अब देखते हैं 5 नॉर्थ अफ्रीकन नेशन है कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। ठीक है, 5 नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और यूरोपियन कंट्रीज कितनी थी, 11 यूरोपियन कंट्रीज कितनी थी, 11 और वेस्ट एशियन कितनी है, 5 कंट्रीज हैं और एक आइलैंड है सिप्रस। कौन सा आइलैंड है, सिप्रस आइलैंड। अब इसकी टोटल कोस्ट लाइंस देख लेते हैं, कितनी लंबी बाउंड्री किन किन देशों के साथ है, टोटल कितनी किलोमीटर
कोस्ट लाइन हो गई, जैसे सी ओवर से स्ट्राइक 46,000 किलोमीटर है, ठीक है। लॉन्ग कोस्ट लाइन्स एंड इंक्लूडेड 15 मैरिजनल सीज, 15 छोटे छोटे समुंदर हैं इसके अंदर मेडिटेरियन सी से, जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं, सच एज वैलेरियक सी, एड्रियाटिक सी एंड द लेवेंटाइन सी एंड द आयोनियन सी। ये कुछ एग्जांपल है सी के, जो कि इससे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, किससे, मेडिटेरियन सी से, एड्रियाटिक सी, लेवेंटाइन सी एंड आयोनियन सी, ठीक है। और इसकी टोटल कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, 46,000 किलोमीटर, और 15 मार्जिनल सीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, कितने, 15 मार्जिनल सीज। डेप्थ, अब इसकी गहराई देख लेते हैं, इसकी एवरेज लगभग डेप्थ अबाउट कितनी है, 1,500 मीटर, ठीक है, लगभग। एंड द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 5,200 मीटर है एट इट्स डीपेस्ट पॉइंट। ये मेडिटेरियन सी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, कितना है, 5,200 मीटर्स, ओके। जो कि ये किसके अंदर है, आयोनियन सी के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कैलिप्सो डीप, क्या बोलते हैं इस डीपेस्ट पॉइंट को, कैलिप्सो डीप, और ये किसके अंदर है, आयोनियन सी के अंदर, ठीक है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट आयोनियन सी के अंदर है, और इसको क्या बोलते हैं, कैलिप्सो डीप है। एवरेज गहराई कितनी है इसकी, 1,500 मीटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट कितना है, डीपेस्ट 5,200 मीटर्स, ओके। अब इसके अंदर रिवर्स देख लेते हैं, कौन कौन से रिवर्स इससे संबंधित है मेडिटेरियन सी से, एब्रो, एब्रो, जैसे कि एब्रो हो गया, रोन हो गया, पो, नील एंड टाइबर नदी, कौन कौन सी नदी इंक्लूडेड है इसके अंदर मेडिटेरियन सी से संबंधित है, जो इसके अंदर अपना पानी गिराती हैं, ठीक है। जैसे कि नील नदी है, वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी अपना पानी मेडिटेरियन सी के अंदर गिराती है, रोन भी, पो और टाइबर और एब्रो, ये सभी नदियाँ मेडिटेरियन सी के अंदर अपना पानी गिराती हैं। अब इससे संबंधित आइलैंड देख लेते हैं, मेडिटेरियन सी के अंदर कौन कौन से आइलैंड हैं, जैसे कि क्रोसिका, क्रेते, सिप्रस, चियोस, यूगोइया, लेस्बोस, मलोरका, रोडेस, सिसली एंड सर्डिनिया। द आइलैंड ऑफ सिसली इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द मेडिटेरियन सी। इन जितने भी आइलैंड पड़े हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है मेडिटेरियन सी का, सिसली, ठीक है। अब इसका क्लाइमेट देख लेते हैं, कैसा मेडिटेरियन सी का कैसा क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो कि वेट विंटर्स एंड हॉट ड्राई समर्स, इसके अंदर वेट विंटर्स रहते हैं एंड हॉट ड्राई समर्स रहते हैं। मेडिटेरियन सी का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। मेडिटेरियन सी का वाटर कैसा है, मोर सैलिन कंपेयर टू वाटर्स ऑफ अटलांटिक। अटलांटिक ओशियन इससे वेस्ट से कनेक्टेड है ना, मेडिटेरियन सी से वेस्ट से कनेक्टेड है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन की बजाय मोर सैलिन है मेडिटेरियन सी का वाटर,
देयर इज कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अटलांटिक सी इन टू द मेडिटेरियन एंड वाइस वर्सा थ्रू द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अच्छा, जो मेडिटेरियन सी का वाटर है वो कंटिन्यू मूवमेंट होता रहता है अटलांटिक सी से, ठीक है, किसके थ्रू, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू। ओके, तो ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ी है। अब ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, देखते हैं किसी सी पे, या तो रेड सी पे लेके आएंगे या ब्लैक सी के ऊपर लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर किए करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़।